आप सबको पता है कि गोवा में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, लेकिन अमित द्विवेदी आज तक उस एयरपोर्ट से ट्रेवल नहीं किए थे और आज पहली मर्तबा है जब मैं नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि गोवा में स्थित है वहां से ट्रेवल करने वाला हूं। मेरी इंडिगो की फ्लाइट है और मैं अपने रूम से निकल रहा हूं और सीधे पहुंचूंगा एयरपोर्ट। तो पुराना एयरपोर्ट आप सबने देखा है, मुझे पता है जितने लोग गोवा आए होंगे फ्लाइट से उन सबको पता होगा पुराने एयरपोर्ट के बारे में। तो आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि ये एयरपोर्ट कितना अच्छा है, कितना बुरा है और क्या क्या फैसिलिटीज वहां पर शुरू हो चुकी हैं, कौन कौन सी फ्लाइट्स जाती हैं और साथ में कितना अलग है पुराने वाले एयरपोर्ट से ये नए वाला एयरपोर्ट। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप गोवा आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर मदद करने वाला हो। तो चलिए मेरे साथ एक भी मूवमेंट मिस मत करना, पहली बार चैनल पर आए हो ना सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर साझा करो। तो मेरे साथ शाहद हैं अभी जो मुझे मोपा छोड़ने जा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ जानकारी दी है। तो शाहद भाई कैसा लगा ये वाला एयरपोर्ट, आया अच्छा हुआ आपके लिए? अच्छा है। मतलब जो आते हैं उनके लिए अच्छा है? अच्छा है। नॉर्थ गोवा वालों के लिए बहुत अच्छा है, साउथ गोवा वालों के लिए? नॉर्थ गोवा वालों के लिए अच्छा है, साउथ गोवा वालों के लिए थोड़ा लंबा पड़ेगा। थोड़ा कितना कितना लंबा पड़ेगा? लंबा जाएगा। तो 85-90 किलोमीटर का मतलब हो गया 4-5 हज़ार रुपए तो टैक्सी का भाड़ा लग जाएगा। तो अगर आपको साउथ गोवा जाना है तो कोशिश करना कि अभी क्योंकि पुराना एयरपोर्ट तो बंद नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। तो भैया क्या करना, साउथ गोवा के लिए आप ना जो भी एयरपोर्ट है पुराना वाला वहीं के लिए फ्लाइट लेना। नॉर्थ गोवा अगर आना होगा तो आप फिर गोवा इंटरनेशनल जो नया एयरपोर्ट है वहां के लिए फ्लाइट लेना। तो आपको बहुत कुछ अभी दिखाऊंगा क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ बताऊंगा। तो अभी तो ये देखिए अच्छी बात है, जैसे नॉर्थ गोवा से निकलते हैं तो अंदर ही अंदर मतलब एक हाईवे से कनेक्ट हो जाते हैं और ये पूरा रास्ता जो पर्पज था इस एयरपोर्ट को बनाने का वो पूरा हो जाता है। जहां पर मैं रुका था रियो रिजॉर्ट है, हिल टॉप से 5-6 किलोमीटर दूर है और वहां से मुझे इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा पहुंचने में नए वाले पर 40-42 मिनट लग रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तो ये जो वही रास्ता है जो बॉम्बे गोवा हाईवे बना हुआ है। और आपको बताता चलूं जो लोग नॉर्थ गोवा आते हैं वो अपनी मस्ती के लिए आते हैं, जिनको बहुत सारा फन मस्ती पीना है भैया आराम से चलो बीच के किनारे बैठना है वो लोग आते हैं। जिनको फन नहीं बहुत करना होता, जिन्हें बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहिए, शांति चाहिए और बीच चाहिए गोवा का, उन्हें साउथ जाना होता है। तो साउथ में शांति मिलेगी और शोर शराबा मिलेगा आपको नॉर्थ गोवा में। और उस शोर शराबे के लिए अब क्रिएट हो गया है एक बढ़िया सा एयरपोर्ट भी, तो अब थोड़ा सा कम पैसा लगेगा और आप नॉर्थ गोवा पहुंच जाएंगे। लेकिन साउथ गोवा का भी प्लान कर रहे होंगे तो वहां पर आपकी पॉकेट होने वाली है ढीली। तो मैं देखिए कनेक्ट हो गया हूँ, ये देखिए हाईवे है, ये वाला हाईवे पूरा जो लेके जा रहा है हमें नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जिसका नाम है मोपा। तो ये वाला जो हाईवे है गोवा मुंबई हाईवे, अब मैं इसे छोड़ दूंगा। अब इसे छोड़कर यहां से हम देखिए यहाँ पर लिखा है न्यू गोवा एयरपोर्ट, यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे। बाकायदा पूरा यहाँ पर आपको बोर्ड मिल जाएगा, अगर आप मैप नहीं यूज कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से हो गया कनेक्ट, मतलब वेलकम न्यू गोवा, न्यू गोवा में आपका वेलकम हो जाएगा। और यहाँ से 7 किलोमीटर अंदर जाना है तब आता है न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो 7 किलोमीटर अंदर इसके जाके आपको एयरपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से एक छोटा सा रास्ता जाता है, आप वहां पहुंच जाएंगे। तो अभी अब थोड़ी देर में हम वहां पहुंचते हैं और दिखाते हैं अब एयरपोर्ट की तस्वीर। तो अभी कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि मेट्रो पहुंचना है, ब्रिजेस बनने बाकी हैं। ये एयरपोर्ट शुरू तो हो चुका है लेकिन यहाँ पर अभी फैसिलिटीज ना आनी बाकी हैं और तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है। पर ठीक है, एयरपोर्ट बन गया है। और इस तरफ मैं आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी दिखेगा, मैं पहली बार देख रहा हूँ इसे, मतलब आयुर्वेदा का भी इस तरीके का इंस्टीट्यूट है इंडिया में और काफ़ी बड़े परिसर, बहुत बड़ा परिसर इसका बनाया गया है। तो इस तरीके से पूरा ये एयरपोर्ट का रास्ता है, छोटा सा, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी इस एयरपोर्ट की। जब ये बनकर तैयार हुआ था तो मैं आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया था उस दिन उन लोगों ने, तो मुझे दिखा नहीं पाया था। अपने किसी वीडियो में इसका जिक्र भी किया था मैंने, लेकिन आज मौका मिल गया क्योंकि उसी एयरपोर्ट से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप तो कोई रोक नहीं सकता है हमें, सीधे बुलंद होके अंदर जाएंगे। देखिए 7 किलोमीटर लिखा हुआ है, 7 किलोमीटर अंदर जाना है, एयरपोर्ट 7 किलोमीटर है यहाँ से। न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस तरीके का यहाँ पर देखिए नाम अच्छे से यहाँ पर दर्ज है और मनोहर लाल पारिकर के नाम पर यह एयरपोर्ट को रखा गया है। गोवा के एक सीएम थे, दुखद निधन हो गया था उनका बीमारी की वजह से, लेकिन बहुत लोग उनको मानते हैं, अभी भी याद करते हैं। तो ये देखिए खूबसूरती बाहर से इंटरनेशनल गोवा एयरपोर्ट की। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं गोवा के नए एयरपोर्ट पर और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, सच बता दूं आपको, मतलब हर जगह आपको खूबसूरती यहाँ पर नजर आएगी। और ये बड़ा प्लान है, मतलब बहुत कुछ यहाँ पर अभी आना बाकी है, बहुत सारी चीजें घटेंगी यहाँ पर, होटल वगैरह भी होंगे, जैसे दिल्ली वगैरह में आप देखते हो कि एयरपोर्ट के ठीक बाहर आपको मिल जाता है होटल, रुकने की जगह मिल जाती है, और यहाँ पर वही सिक्योरिटी एंट्री करेंगे यहाँ से। इसके बाद में हम पहुँचेंगे गेट पर जहाँ से हमें डिपार्चर मिल जाएगा। तो आते ही अरे वाह, इसने तो आपका स्वागत कर दिया भैया खुल के ऐसे ही। और ये देख लीजिए, अगर नहीं आए अभी तक आप ना, तो मैं दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद में आ सकते हैं आप देखने है। मतलब यहाँ पे इंडिगो की फ्लाइट्स आती हैं, तो इंडिगो की फ्लाइट्स आपको यहाँ से मिलेंगी। आगे अंदर चल के देखते हैं क्या क्या और है। तो यहाँ पर पार्किंग सामने, डिपार्चर इधर है, अराइवल सीधा है, तो पूरा बना रखा है, दिखा रखा है, जिससे कोई कंफ्यूज ना हो जब यहाँ पर आए। तो अभी यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं, और अंदर कैसा है अभी आपको दिखाते हैं। और मुझे लग रहा है बस पहुँचने ही वाले हैं, तो आपको दिखा के ही बंद करेंगे, फिर सीधे एयरपोर्ट के अंदर लेके चलेंगे। हेलो, फील करो भैया, फील गोवा, मतलब आप गोवा को एहसास करो और यहाँ पर आपको सब कुछ बना हुआ मिल जाएगा। रोड पूरी तरीके से जाते हुए और ये वो बिल्डिंग आ गई जो अपने काम की है, जहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, भीड़ एकदम नहीं है। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी क्योंकि एकदम भीड़ नहीं है तो हम आराम से एक्सेस कर सकते हैं। तिरंगा झंडा शान से लहराता हुआ और ये गोवा की नई तस्वीर, नई तकदीर, भविष्य गोवा का, मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना है। अंदर चल के बताता हूँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कौन कौन सी फ्लाइट है, वो सब अंदर चल के बात होगी, लेकिन इतना जो दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो भैया ये वो जगह है जहाँ से आप डिपार्चर के लिए, मतलब प्रस्थान करते हैं अंदर जाने के लिए। और ये जितने भी एयरपोर्ट इंडिया के बने हैं सब में एक रूपता नज़र आती है और वो एक रूपता यहाँ पर भी आपको नज़र आएगी। और ये रहा प्रस्थान, और दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ से जाती हैं। तो डिपार्चर बाद में जाएंगे, पहले दिखाता हूँ कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ पर लगी हुई हैं। तो जो मुझे बोर्ड पर नज़र आ रहा है वो दिखा देता हूँ। तो स्पाइस जेट है और इंडिगो है, ये दो नज़र यहाँ पर आ रही हैं। तो इन फ्लाइट्स का यहाँ सर परिचालन किया जा रहा है, तो सीधे अंदर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बहुत देखिए भीड़ एकदम नहीं है, एक ही गेट से एक्सेस हो रहा है और आराम से यहाँ पर, और बैठने उठने की जगह काफ़ी, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगह आपको मिलती है जहाँ पर आपको आराम से, मतलब लगेगा इसे देख के लगेगा नहीं आप गोवा एयरपोर्ट पर आए, क्योंकि गोवा एयरपोर्ट जो आपने देखा है ना वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। और ये तिरंगा झंडा, चलो नमस्ते करते हैं, सीधे एंट्री करते हैं यहाँ से। और जब आप एयरपोर्ट के अंदर आएंगे भैया, कुछ इस तरीके के आपको काउंटर यहाँ पर मिलने वाले हैं और यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं
बैकड्रॉप में सोचा हूँ बैकड्रॉप कर दूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं अभी। यहाँ पर अगर मुझे वेब चेक इन करना किया होता, मुझे यहाँ पर बैकड्रॉप करना होता, तो यहाँ पर सारे काउंटर्स इस तरीके से बनाए गए हैं। मैं क्या करता हूँ, सीधे ऊपर चलता हूँ यहाँ से। यहाँ का आपने फील लिया, ऊपर दिखाता हूँ कि कैसा है एयरपोर्ट। यहाँ पर तो काफ़ी मतलब लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन बाद में थोड़ा सा शायद स्पेस वगैरह और यहाँ पर दिया जाएगा। अरे सच में बहुत प्यारा लग रहा है, चारों तरफ का व्यू देखिए यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है। बड़ा स्क्रीन और उस तरफ देखिए, छोटा सा देखिए सनसेट हो रहा है। सनसेट मुझे बहुत प्यारा लगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर सनसेट हो रहा है और मैं ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह यहाँ पर इस तरीके से ये लोग लगाएंगे। पूरा एयरपोर्ट देख लो, आंखों में बस जाएगा। अगली बार आओगे ना तो आपके लिए इजी होने वाला है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी जानकारी दे दूँ जो मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद जैसे मुंबई में होता है वैसे टाइप का पूरा। देखिए यहाँ से आपको स्कैन करके अंदर जाना है। ये भी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लाइट की डिटेल वगैरह यहाँ पर पता चलती रहेगी। जब आप आगे अंदर एक्सेस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा। तो ये लाइन है यहाँ पे, मैं सोच रहा था एकदम लाइन नहीं होगी, लेकिन अंदर कुछ भीड़ आपको यहाँ पर इतनी मिलने वाली है। तो आधुनिक तरीके से यहाँ पर आइए और ये कोई नहीं मिलेगा, सामान रखिए अपने आप अंदर चला जाएगा। निकालते हैं, ये सारे सामान वगैरह निकलिए। देखिए एक डब्बे का सबसे बढ़िया उपयोग होते फिर अंदर। तो मेरा एक बैग फंस गया था, क्योंकि उसमें पानी की बोतल रखी हुई थी। तो पानी की बोतल या लेकर वाइन वगैरह आप लेकर जा रहे हैं गोवा से तो अलाउ नहीं है। तो कोशिश करिएगा कि इसे चेक इन बैगेज में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाके आपको दिक्कत हो सकती है, खास करके उनको ज़्यादा दिक्कत होगी जिनकी फटाक से कोई फ्लाइट होगी, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब हम इधर से एक्सेस करते हुए अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शॉपिंग एरिया मिलेगा बड़ा। तो ये है बड़ा शॉपिंग एरिया, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मतलब जैसे शॉप अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, आपके रिलेटेड डेली मर्रा की चीज़ें, मतलब नई नई दुकानें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो नई नई दुकान, घड़ी की दुकान, वाह तो घड़ी की दुकान है। कपड़े अगर शॉपिंग वॉपिंग करना चाहते हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं यहाँ पर कर सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें कहाँ हैं वही मैं ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पर जूते वूते भी खरीद सकते हैं। आयुष भाई ये कौन सी कंपनी के जूते हैं? बड़ी कंपनी होती है। yes, तो भैया तो मतलब यहाँ पे ये देखो ये वाला है, और यहाँ पे ये गजा प्यूमा उमा का मतलब सॉलिड, और खाने पीने का भी एरिया है यहाँ पे अंदर। तो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, जैसे एयरपोर्ट होते हैं वैसे एयरपोर्ट है। इसमें ऐसा कुछ दिखाने वाला नहीं है, बट आपको एक फील मिल गया होगा कि एयरपोर्ट कैसा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कोई आएगा नया होगा तो उसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पूरा एक्सेस करता हुआ चला जाएगा। फूड कोर्ट बड़े बड़े हैं, गेट बड़े अच्छे से हैं, नीट एंड क्लीन। जब अंदर आएंगे तो बैठने वैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी बनाई गई है, कई जगह पर आप आराम से बैठ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं भी। हालांकि पूरा खुला नहीं है, तो अब आपको उस साइड का एरिया दिखाते हैं जहाँ से पूरी प्लेन वगैरह नज़र आएगी। तो अभी यहाँ पर लाउंज एक्सेस शुरू नहीं हुआ है, अभी बन रहा है। देखो इन क्लेम लाउंज मतलब यहाँ पे आएगा, लेकिन अभी बना नहीं है। तो अभी धीरे धीरे चीज़ें जो भी ओपन होने वाली हैं, गेट सारे इस तरीके से दिखेंगे आपको, और यहाँ से बड़ा मैदान नज़र आएगा। मतलब काफ़ी अच्छा, मैं जब कल हम लोग लैंड कर रहे थे तो ये एयरपोर्ट ऊपर से दिखा, बहुत प्यारा नज़र आ रहा था। मैं कोशिश करूँगा एक उसकी तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ जो वहाँ पर मैंने क्लिक की थी। तो सामने पूरा रनवे नज़र आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एयरपोर्ट। मतलब एक ही लाइन में सब कुछ आपको पूरा एक्सेस मिल जाता है, और काफ़ी जगह वाला मतलब यहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपेंशन हो सकता है अगर ये करेंगे तो, भी धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। तो जो अभी शाम के टाइम मुझे फ्लाइट दिख रही हैं वो मुझे स्पाइस जेट दिख रही है, गो की दिख रही है, आकाशा एयर और इंडिगो की फ़्लाइट यहाँ से नज़र आ रही है मुझे, जो यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। और लोग फोटो खींचते हुए खिंचवाते हुए अलग अलग अंदाज में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो एक चीज़ की ज़रूरत होती है एयरपोर्ट पर, वो क्या है कि चार्जर होना चाहिए। कई बार हमें पता नहीं चलता, तो यहाँ पर अगर सीट देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं पर है ही नहीं है कुछ, लेकिन यहाँ पर है। कहाँ पर छुपा हुआ है? देखिए ये जगह,
यहाँ पर आप मोबाइल लगा सकते हैं, चार्ज करना देखिए, लगा दी, आराम से बैठिए सुकून से, और यहाँ पर तो ढूंढ लीजिएगा, अगली बार आओगे ना यहाँ पर तो आपको पता चल अब होगा कि कहाँ पर आप चार्जर के लिए यूज़ कर सकते हो। तो भैया हमारी फ़्लाइट गेट नंबर 11 से बोर्ड कर रही है, तो अंदर चलते हैं सीधे। भैया ये था गोवा का नया एयरपोर्ट जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि भैया यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अलग से चार्जिंग वाला सिस्टम, सीट नीचे ही मिल जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट करके बताना है। जितनी जानकारी मेरे पास थी, जो मैंने देखा, वो सब कुछ आपको दिखा दिया है। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का कमेंट बॉक्स में।